नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीती 7 फरवरी को तपोवन में आई आपदा के बाद बग्यूल गांव के लोगों के जख्म अभी भरे ही नहीं थे कि देर रात धौली गंगा का जल स्तर बढ़ने से एक बार फिर गांव के लोगों के जख्म हरे हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में देर रात धौली गंगा का जल स्तर बढ़ गया, जिससे बग्यूल गांव को देश दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र झूला पुल बह गया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की ओर से 2 महीने पहले ही इस पुल का निर्माण किया गया था, जिसके टूट जाने से बग्यूल गांव का देश दुनिया से संपर्क टूट गया है। इस दौरान उर्गम घाटी के कल्पगंगा में भी कल शाम उफान आने से आरोसी गांव समेत आधे से ज्यादा गांव को जोड़ने वाला पुल भी कल्पगंगा की लहरों में समा गया, जिससे इन सभी गांव का जोशीमठ मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से धौली गंगा और कल्पगंगा उफान पर है और देखते ही देखते नदी के बहाव में दोनों पैदल पुल समा जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 40 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते कई नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ गया, जिसमें अलकनंदा समेत कल्पगंगा, ऋषि गंगा और धौली गंगा का जल स्तर भी उफान पर बताया जा रहा है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।